years ago, Section 125 mentioned the amount also of rupees 500. पर जब ये महसूस हुआ पार्लियामेंट को कि 500 रुपए तो इंसल्ट है, मेंटेनेंस और सस्टेनेंस 500 रुपए में, क्योंकि 1973 में वो 500 रुपए था जिसकी वैल्यू बहुत थी, आज नहीं है, तो वो बढ़ के 2500 हुआ, फिर और बढ़ा, और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती गई कि पार्लियामेंट को लगा कि यार कितनी बार अमेंडमेंट करेंगे, चलो वो अमाउंट ही हटा देते। तो अब आप देखेंगे सीआरपी ज्योति, देखिए कोई अमाउंट है उसमें 125 में, अब कोई अमाउंट नहीं। अब उन्होंने कह दिया एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, कितने लोग हैं फैमिली में, उसके आधार पर कितनी इनकम है हस्बैंड की, उसके आधार पर क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आदमी का, उसके आधार पर कितना अमाउंट जरूरी है, ये सब कैलकुलेशन मैजिस्ट्रेट को पावर दी है ना। अब वो अमाउंट हटा दिया गया, प्लस किस शहर में ये एप्लीकेशन बनाई गई, किस गांव में लगाई गई, वहां भी फर्क होता है ना। मुंबई के रेट्स अलग हैं और रामगढ़ के अलग हैं, तो अलग अलग रेट्स हैं ना, तो सस्टेनेंस के रेट्स भी अलग हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड। चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। अब ये फैमिली का मेंटेनेंस हो गया, तो सोसाइटी का मेंटेनेंस, चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली एंड देन चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ये भी पुलिस का प्रिवेंटिव प्रोविजन है टू एंश्योर दैट देयर इज पब्लिक ऑर्डर। व्हाट इज पब्लिक ऑर्डर? Order means discipline. There should be discipline in the society among the public. And tranquility means peace, calm, quiet. There shouldn't be agitation. And chapter 11, specifically from section 249 to 243, talks about preventive action by police. प्रिवेंटिव एक्शन बाय पुलिस मींस जहां पुलिस को ये खतरा लग रहा है कि कुछ क्राइम होने वाला है, जैसे एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, नारेबाजी कर रहे हैं और उस क्राउड को डिस्पर्स करना है, क्योंकि अगर ये इकट्ठे हो गए नारेबाजी करते करते जोश में आ गए तो तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, हो सकता है कहीं आग लगा दें, हो सकता है किसी को मार दें। तो ये सब रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन बाय द पुलिस टू डिस्पर्स दैट अनलॉफुल अनरूली असेंबली और इवन टू सिक्योर अ बॉन्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल, गड़बड़ तो नहीं करने वाले। तो पुलिस के पास एक लिस्ट होती है जिसको जिसमें वो बहुत सारे नोटोरियस लोगों के नाम लिख के रखती है उनके पास्ट के आधार पर, जिसको हम लोग हिस्ट्री शीट कहते हैं, और जिनके नाम उस महत्वपूर्ण लिस्ट में होते हैं उन व्यक्तियों को हम हिस्ट्री शीटर कहते हैं। ये नाम, ये वर्ड सुने हैं आपने, ही इज अ हिस्ट्री शीटर बिकॉज हिज नेम अपीयर्स इन द हिस्ट्री शीट ऑफ द पुलिस। अच्छा,
कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो बड़े प्राउडली बताते, साहब आप तो थोड़ा हिस्ट्री शीटर टाइप का है, उसको बड़ा खुशी हो, मतलब गर्व की, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारत रत्न की लिस्ट में उनका नाम है कि पद्मश्री की लिस्ट में नाम है। अब अलग अलग मेंटालिटी है उनकी उसमें ही, कि मतलब रेटिंग है अपना क्राइम के वर्ल्ड में थोड़ा अपना वट है साहब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना वट ऐसा कोई लिस्ट में आप मत बनाना, बनाना हो तो पद्मश्री की लिस्ट में वट बनाना, पद्मभूषण पद्म विभूषण, भगवान करे आप भारत रत्न बने, ऐसी लिस्ट में वट बनाइए। ये ऐसा आके बड़ा बड़ा बात करना, कमाल कमाल के लोग मिलते हैं, उसको मालूम पड़ेगा मैं कितना खतरनाक आदमी है। अरे कितना खतरनाक आदमी, इसमें गौरव फील कर रहा हूँ। तो मेंटालिटी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटालिटी है, पर लॉ को सारी मेंटालिटी से डील करना है, सबको हैंडल करना है। ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए प्रिवेंटिव प्रोविजंस है, चैप्टर 11 प्रिवेंटिव प्रोविजंस बाय पुलिस सेक्शन 149 to 153। अब हम चैप्टर 11 तक आ चुके हैं, इसके बाद चैप्टर 12 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पुलिस, जो हमने डिवीजन किया था ना पुलिस और कोर्ट का इनिशियली, ये पुलिस के एरिया में आ रहा है। बिगिनिंग फ्रॉम सेक्शन 154 रनिंग अप टू सेक्शन 176, चैप्टर 12 बिगिंस फॉर लॉजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू पुलिस विच इज कॉमनली नोन एज FIR, सेक्शन 154। FIR means first information report in respect of cognizable offense. First information report in respect of cognizable offense. 155 talks about non-cognizable offense. अब देखिए ये word आप सबने सुना ना FIR, इसका मीनिंग भी पता है। FIR stands for First Information Report। अब मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं कि सेक्शन 154 विच टॉक्स अबाउट FIR डज नॉट मेंशन द वर्ड फर्स्ट एनीवेयर। आप देख लीजिए 154 में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहीं नहीं कह रहा दैट इट इज द फर्स्ट। द होल डेफिनेशन ऑफ FIR डज नॉट टॉक अबाउट फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ऑल्दो दिस वर्ड हैज बीन कॉइंड एंड डिराइव्ड बिकॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन received by the police first in time is mentioned in 154. It does not specifically talks about the word first, but when the police first informed about any crime, therefore it is usually said that it is FIR, first information report. So if there is a question on FIR or a short note on FIR, you can just रेफर टू सेक्शन 154, जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस 154, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 155 कंप्लेंट होती है। फर्क क्या है दोनों में? कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट होने पर पुलिस मस्ट रजिस्टर FIR, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 155 में अगर कंप्लेंट होती है तो पुलिस हैज टू रजिस्टर NC. NC इज नॉन कॉग्निजेबल, NC स्टैंड्स फॉर नॉन कॉग्निजेबल,
कंप्लेंट। अब अगर ये दोनों अलग अलग तरह की कंप्लेंट रजिस्टर की गई है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अंडर FIR, इफ अ पुलिस रजिस्टर्स अ कंप्लेंट ऑफ अ कॉग्निजेबल नेचर अंडर 154, द पुलिस इमीजिएटली स्विंग्स इन एक्शन टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। बट इफ इट इज रजिस्टर्ड इन नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी ऑफ NC, द पुलिस विल नॉट टेक एक्शन टिल द पुलिस इज डायरेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट टू डू सो। पुलिस विल नॉट ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन टेक एक्शन ऑन योर NC। NC सिर्फ रजिस्टर करके रख देंगे और आपको गाइड करेंगे कि मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले आइए तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। बिना मैजिस्ट्रेट के डायरेक्शन और ऑर्डर के पुलिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक एक्शन ऑन योर NC। NC पर एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर FIR है तो पुलिस विल इमीजिएटली बिगिन द इन्वेस्टिगेशन एंड द पुलिस इज एंटाइटल्ड इवन टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 41, राइट? सो कनेक्ट 41 टू 154 एंड टू चैप्टर 33 बेल एंड बॉन्ड्स। मीन्स जवाब रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द कोर्ट। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसकी रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में सबमिट करते हैं। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं चार्जशीट, एंड चार्जशीट इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC। चार्जशीट इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC। तो 154 की FIR से कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करने तक पूरा प्रोसीडिंग चैप्टर 12 में मेंशन है, ठीक है? इज इट गेटिंग क्लियर और यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड? और शुड वी डू अ रन थ्रू अप टू हियर? You'd like to have it? So let's see. Chapter 1, preliminary, section 1 to 5, which includes definition under section 2. Jahan par cognizable, non-cognizable, bailable, non-bailable, offense, everything is defined. Chapter 2 and 3, constitution of court and powers of court. Chapter 4, powers of superior police officer and aid to police and magistrate. Chapter 5, arrest. 6 and 7, compulsion or to compel a person to appear and to produce document. 8 to 11, preventive proceedings by the police. Kaun-kaun se preventions hain? Security to keep peace and good behavior, then maintenance of wives and children. और उसी chapter 9 में आपको section 145 भी मिलेगा जहां maintenance of immovable property। कई बार property के झगड़े भी होते हैं ना, किसी ने किसी के घर पे कब्जा किया, दीवार तोड़ के आगे बढ़ा ली, तो उसमें भी सेक्शन 145 में पुलिस इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। झगड़ा मत करो, कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आओ, किसकी प्रॉपर्टी है, कौन कब्जे वाला है, वो कोर्ट डिसाइड, आप यहाँ झगड़ा मत करो, ठीक है? दैट इज इन द मेंटेनेंस चैप्टर। देन चैप्टर 10, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, एंड चैप्टर 11, प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ द पुलिस, एंड 12, FIR रनिंग अप टू चार्जशीट।